आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है, बद से बदतर हालात हैं हमारे देश के, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी और मौत के बीच सांसों का युद्ध चल रहा है, एक एक सांस के लिए लड़ रहा है आदमी। ऐसा वक्त हमने कभी नहीं देखा कि अस्पतालों में डॉक्टर इलाज ना हो पाने पर फूट फूट करके रो रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर से के लोग कोई ना कोई कोरोना संक्रमित ना हो। ऐसे महाप्रलय के अवसर पर जब देश का आलम तबाही का है, हाहाकार का है, चीख पुकार का है, आंखों में आंसू हैं, वेदनाएं हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, ऐसे अवसर पर मैं अपने पुलक मंच परिवार और अपने से जुड़े हुए वो हर भक्त जो मुझ पर असीम आस्था रखते हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आने वाली 11 मई को जो प्रतिवर्ष लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम करते थे, आने वाली 11 मई को सब कार्यक्रम रद्द किए जाएं। मुझे मालूम है कि इससे आपका दिल दुखेगा, आपकी आस्था को ठेस लगेगी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरी संवेदनाएं, मेरी इंसानियत मुझे मजबूर कर रही है। ये उत्सव जन्मोत्सव या महोत्सव मनाने का समय नहीं है, ये हमारे देश में संवेदनाएं व्यक्त करने का समय है। इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लें कि कोई भी कार्यक्रम इस वर्ष आयोजित नहीं होंगे। हाँ, मैं ये अवश्य कहूंगा कि आपके आसपास यदि कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति है, उन्हें सहायता की जरूरत है, सहायता के लिए आप आगे बढ़िए, अपने कदम आगे बढ़ाएं, बेधड़क बढ़ाएं, निडर होकर के बढ़ाएं। ऑक्सीजन की जिन्हें जरूरत है उसकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की जरूरत है उसकी व्यवस्था करें, अस्पताल की जरूरत है, बेड की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, जो भी जरूरत हो उसे जरूर पूरा करें। लेकिन किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव के कार्यक्रम इस वर्ष 11 मई को नहीं होंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस बात को अपने जहन में उतार लें। हम बहुत दुखी हैं, देश बहुत नाजुक क्षणों से गुजर रहा है, हमें देश को मजबूत बनाना है, अपने पड़ोस को मजबूत बनाना है। उत्सव महोत्सव ये तो सब होते ही रहेंगे, इंसान है तो सब कुछ है, इंसान है तो उत्सव है, इंसान है तो मंदिर है, इंसान है तो महोत्सव है। आप सभी लोग सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ें।